और कुछ और इलाकों में महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मन को टटोलेंगे कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है, उनके घर गृहस्थी क्या ताज़ा जो सरकार है उससे बड़ी खुशी हाली से चल रहा है, या फिर वो भी चाहती है कि बदलाव का बयार दिखे। चलिए आगे चलते हैं। बस स्टॉप पर युवतियां महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं अपने बस का कि बस आए और वो अपने घर की तरफ रुख करें। इसी बीच न्यूज़ 24 की टीम इन महिलाओं के बीच में पहुंची है और कोशिश ये करेगी कि इनके मन की बातों को समझे, टटोले, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और इस चुनाव में युवतियां महिलाएं क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं वो हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप लोग आ जाएं, एक सीट खाली है, बैठ सकते हैं, आइए बैठिए 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 आइए बैठिए बैठिए। तो मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले आपसे, आप वोट दे सकती हैं? हाँ जी, मतलब इसी साल 21 हुई है। हाँ जी। अच्छा, पहली बार वोट देंगे, क्या माहौल है आसपास में इलाकों में? हमारे अकॉर्डिंग तो माहौल बलवान पुणे का ही है जी, उन्हें को देंगे हम, उनको देंगे। हाँ। अच्छा, तो मतलब उन्होंने अच्छा काम किया होगा तभी मन बनाया है। काम किया है जी, किसानों के लिए काम करते हैं, हमारे गांव की सब सड़कें और बनवाई हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं और अभी मुआवजा दिलवा रहे हैं किसानों को, तो हम तो नहीं कोई वोट देंगे जी। हाँ जी, एक बात बताओ, आप तो युवती हो, पढ़ाई कर रही होगी, अपने लिए आप क्या सोचती हो कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारे लिए अभी तक क्या हुआ है और आने वाले समय में और लड़कियों के लिए क्या करें? हमारे पहले संजीव थे पहले, तो उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया बच्चों के लिए, ये तो कॉलेज भी बनवा रहे हैं। हमारी बस आ गई है जी, सॉरी। अच्छा, मम्मी है आपकी? मम्मी है जी, बस आ गई। अच्छा, आप भी वोट देंगी या बेटी जहाँ गएगी वहाँ देंगी? मैं भी वोट देंगी, मर्जी का बताना, मर्जी का, वो बेटी वो को नहीं, मैं तो देंगी कॉमरेड पूनिया ने। अच्छा अच्छा, अपने अलग अलग सोच से देंगी या फिर एक दूसरे से सहमति से? नहीं, वो तो देखो एक घर में सहमति तो सबकी हुई है मैडम, तो माहौल अच्छा लग रहा है इस बार। हाँ, बलवान पुणे का लग रहा है हमें। चलिए बस आगे आएंगे, आप बताओ आप कैसा लग रहा है अभी चुनाव में, सब घर घर में नेता आते होंगे, सब पूछते होंगे राम राम जी, राम राम दुआ सलाम हो रहा है, टिकट मांग रहे होंगे, इस बार चुनाव जब वोट करने जाएंगे चुनाव के दिन क्या मन में है, क्या चाह रही है? मेरा तो ऐसा मन कर रहा है, मैं मतलब कि एक मेरे तो चलो एक ही वोट होगा अभी, मैं मल्ले नहीं देना चाहूँगी वो तो, पर ऐसे भी लग रहा है दे भी दूँ और ऐसे भी लग रहा है नहीं भी दूँ, दोनों ही बात। ऐसा क्यों चल रहा है मन में? ऐसे इसलिए चल रहा है कि चलो वोट दे दिया मैंने, चलो जीत गया, वो बोला है कि मल्ले जीतने वाले फिर बोलते हैं हमने भी दिया है हमने भी दिया है, अलग अलग मल्ले पार्टी में सभी हो जाते हैं। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि मल्ले जो भी दे वोट मल्ले सही जगह जाए अपना वोट, मल्ले अच्छे से काम करे, पता जो वाले अभी बोलते हैं कि हम ये करवाएंगे हमें वोट दो हम ये करवाएंगे, बलवान जी भी बोलते हैं ये करवाएंगे ये करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, आप अभी अपने उम्मीदवार के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप महिलाओं जितनी यहाँ पे बैठी हैं सब लोग, ये बताओ कि आपके लिए आपके इलाके के मुद्दे ज़्यादा अहम रखते हैं या देश का मुद्दा अहम रखता है? इलाके के भी ज़्यादा मल अहम रहते हैं क्योंकि हम तो लगभग यहीं रहते हैं, बाहर तो कहीं जाते ही नहीं, यहाँ के मल्ले लगभग भादरा के मल्ले आसपास के एरिए के ज़्यादा अहम रहते हैं इनको, मतलब मल्ले तो अच्छे से। आपके लिए क्या अहम मुद्दा है महिला होने के नाते, आप क्या चाहती हैं अपने इलाके में, अपने लिए क्या चाहती हैं? महिलाओं के लिए देखो वो पढ़े लिखे हैं उनको तो अपनी मल्ले मेहनत से नौकरी मिल ही जाती है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको बस मल्ले अच्छे से इज्जत मिले और क्या, और चलो ये तो मान लेते हैं। जो सरकार है वो बहुत सारे योजनाएं लाई हैं, जैसे अभी आप लोग बस का इंतज़ार कर रही थी, बसों में भी फ्री किया गया है, बिजली फ्री की गई है, उसके अलावा स्कूटी योजना है, उसके मोबाइल योजना है, अभी मैं कुछ विद्यार्थियों से बात कर रही थी वो तो कह रहे थे कि भैया हमें मोबाइल नहीं चाहिए हमें नौकरी चाहिए, तो चलिए सबकी अपनी अपनी राय है। तो जैसे इस तरीके की योजना है, अभी केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम घटा दिए, तो ये सब जो योजना है इसका लाभ आप लोग तक पहुँचता है? मल्ले जो मल्ले लेना चाहते हैं उनको तो पहुंचता ही है, जो नहीं लेना चाहते वो उनको नहीं पहुंचता। आपको मिला? मतलब मैं तो सिलेंडर का तो मतलब भाई जो भी मल्ले लेना चाहते हैं वो मिल जाता है, वैसे मुझे मल्ले ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, घर वाले ही संभालते हैं ये सब चीज़ें, तो मतलब लेडीजों को तो मिल जाते हैं। वोट करने जाओगे उस दिन घर वालों से पूछ के जाओगे या अपने मन से अपने हिसाब से वोट करोगे?
मतलब उस पर लिखा भी होता है कि मतलब मतदान अपना अधिकार है, मतलब जिनको भी आप देना चाहो दे सकते हो। वो तो मतलब मैं मतलब घर वाले तो ऐसे समझाते भी हैं, इस पे लगाना है, ये करना है, वो करना है, फिर वो आगे जाके सास समझा देना सास को तो चलो हम समझा देते हैं। अच्छा, भी पढ़े लिखे होने का मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है, उनको तो मतलब ये बताते हैं इस पे बटन दबाना है। इससे हम ये कह सकते हैं कि समय में बदलाव आया है और अब जो बहुएं हैं घर की वो अपने घर में ना सिर्फ घर को संभालती है बल्कि सही रास्ता भी दिखाती है। हाँ सही है, वैसे तो बड़े लोग ही दिखाते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग मतलब पहले भी जो भी जानते हैं जमाने के बारे में हमें ही बताते हैं ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए बेटा, ये है वो है सब बातें वो ही बताते हैं। बड़ों के हिसाब से ही चलना पड़ता है घर में तो। चलो बढ़िया है कि बड़ों के हिसाब से चलना चाहिए और चलती भी हैं आप जैसे आप कह रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा अपने उम्मीदवार का नाम, लेकिन सवाल ये है कि जो अभी अशोक गहलोत की सरकार है उसको लेकर के आप लोगों की क्या धारणा है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं या फिर अब बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की तो ज़रूरत है ही जी, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, पर अभी देखते हैं कुछ करता है कि नहीं करते। लेकिन हमारे अभी देखो हर इलाके से अगर कोई विकास होगा तभी देश का विकास होगा, हर जगह का विकास होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं विकास करती नज़र आती है आपके इलाके में? हमारा तो कोई विकास अभी हुआ नहीं है इतना, पर किसानों के लिए कांग्रेस करती है। किसानों के लिए कांग्रेस? हाँ जी कांग्रेस करती है किसानों के लिए। करना आप कुछ कह रही थी? बोल दे। अच्छा आप ये बताओ, देखिए आपकी बेटी इतना अच्छा बोल रही है, इतना अच्छा बता रही है कैसे विकास होगा, किस तरीके से उम्मीदवार का चुनाव होना चाहिए, अच्छा लगता है जब बेटियाँ इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? अच्छा तो लगी है मैडम, मैं तो आ चाहूँ कि भाई आपने जो देसी बेटियाँ बहुत आगे जा पढ़ लिख के कुछ बने, जो मतलब अपने खुद गए पैरों पर खड़ी हुए बेटियाँ तो बहुत अच्छा लगे। क्यों बोल लगे? ये जो आरक्षण की बात है आपको पता है ना कि नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है जिसको वुमेन रिजर्वेशन बिल कहते हैं, महिला आरक्षण बिल, उसको केंद्र सरकार ने पास किया है, उसको लेकर आप लोगों की कोई राय है कि हाँ अच्छा हुआ है आरक्षण मिला? मिलेगा अभी काफ़ी समय लगेगा उसमें, लेकिन एक अच्छा कदम है ये। हाँ अच्छा कदम है, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ जी और क्या क्या पहल होनी चाहिए, क्या और करने की ज़रूरत है? सुरक्षा जब भी बात चर्चा होगी तो सुरक्षा की बात होगी, महिला है तो सुरक्षा चाहिए, क्या आपके इलाके में सुरक्षा के लिहाज से अच्छा है सब कुछ? वैसे तो ठीक है हमारे इलाके में इतना कोई कुछ नहीं, क्योंकि आप बस का इंतजार कर रही हैं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इलाके की, छोटी ये जो पास के लोकल गांव होते हैं ना वहाँ रोकती नहीं है बस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस वाले की, ये प्रॉब्लम है। हाँ और क्या प्रॉब्लम है, और कुछ दिक्कत? महंगाई तो बहुत हो रखी है, मैटर के दाम अभी कम किए पर देखो अब की बार कम मिलते हैं कि नहीं मिलते। पानी कौन मिलने लग रहे हो किसाना ने, सारों बड़ी प्रॉब्लम यह कौन, और सारों ज़्यादा तो महंगाई हो रही है, और सब बड़ी बात है जो जो है किसान भाई है बाने कोई फसल का दाम कौन मिलने लग रहा है बढ़िया। आपके घर में किसानी से सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब घर वाले सब किसान हैं? अच्छा तो उनको उन जो खेती होती है उसका पैसा वैसा ठीक से मिल जाता है या नहीं मिलता? देखो मैडम पानी नहीं आता तो फसलें कैसे अच्छी होंगी, अब पानी नहीं आता है तो फसलें, अब किसान तो फसल पर डिपेंड होते हैं ना। पानी क्यों नहीं आता? आता ही नहर में पानी नहीं आता है बहुत, इसको लेकर कभी इसको लेकर कभी आप आवाज उठाई गई? अब तो एक डेढ़ महीनों पानी को नहीं मैडम, अभी आए एक डेढ़ महीनों पानी अब पहुंचे हुए, तो बताओ सारी दिक्कत है किसानों को। तो किसान तो डिपेंड किस पर है, खेती पर डिपेंड, अगर वो अच्छी नहीं होगी फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान कहाँ जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी पानी की भी समस्या है किसानों के लिए भाई, टाइम से पानी आए तो उनको फसल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। दिक्कत है दाम की, दिक्कत है दाम कितनों मिले, लेते हैं तो हमको महंगा मिलता है लेकिन हम खुद बेचते हैं तो महंगा नहीं मिलता, फिर वो सस्ता होता है, ऐसा भी है, ये भी दिक्कत है। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपका उम्मीदवार अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके इलाके में ये भी समस्या, बहुत काम किया इन्होंने, लेकिन वही विधायक ये तो ऊपर की सरकार करेगी ना, फिर भी ये अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया, जैसे पहले संजीव बेनीवाल थे तो उन्होंने हमें नहीं लगता ऐसा कोई विकास किया उन्होंने, वो बीजेपी से उम्मीदवार। हाँ जी वो बीजेपी से है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बलवान पुनिया ने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। अभी हम मैं सिकरोड़ी से हूँ तो वो बोल रहे हैं कि अभी कांग्रेस का उम्मीदवार है, पहले हमें कांग्रेस ने वोट करे हमेशा, अब की बार अलग करते आए हम, अब की बार अलग है। हाँ जी
अब की बार हर साल राजस्थान में 5 साल पे बदलाव होता है उसी तरीके से कुछ। हाँ जी अच्छा, तो मतलब 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है, जो भाई अपने लिए काम करता है वोट ढूंढने को ही देना चाहिए ना, अपने इलाके के लोगों हाँ। के। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है, ये कुछ महिलाओं की राय थी, कुछ और भी हैं, आप भी बस का इंतजार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा अग्रवाल। पूजा अग्रवाल जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं मैं रावतसर से हूँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? अभी तो कांग्रेस का ही चल रहा है रावतसर साइड में, तो बीजेपी का थोड़ा कम ही लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? शायद रावतसर के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने काम ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि गहलोत जी ने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, तो मतलब सुविधा कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित कर रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे क्या क्या सुविधा आपको मिली होगी वो थोड़ी बताइए हमें। मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं मिली, महंगाई तो वैसे की वैसी ही है, पर बहुत सी है जो महिलाओं को लेकर भी है, कुछ थोड़ी बहुत ध्यान में रखा गया है उनका भी, और सड़कों को लेकर और कॉलेजों को लेकर थोड़ा बहुत। अच्छा, ऐसी जो महिलाएं बसों में हैं खड़ी हैं, और चूंकि बसों में तो फिर भी फ्री किया गया है महिलाओं को, लेकिन ऐसे खड़ी होते जाती हैं, तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा नहीं लगता? नहीं, मुद्दा तो है पर क्या करें, रश भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है बसों को लेकर, पर इतना तो चलता ही है, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट महिलाएं कर लेती है, मुझे लगता है घर से लेकर समाज में भी एडजस्ट अगर महिलाएं ना करें तो घर चलाना क्या समाज चलाना भी बहुत मुश्किल, घर ही मुश्किल हो जाएगा, समाज तो दूर की बात है। इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे तो उन्होंने उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है, पर लोगों को रश बता रही हूँ मैं, रश ज़्यादा है तो उसकी वजह से इतना तो हमेशा से ही चलता है। बीजेपी के राज में भी ये चलता है, कांग्रेस के राज में इतना तो हमेशा से ही है, ऐसा नहीं है बीजेपी के राज में भी यहाँ औरतें ऐसे नहीं चलेगी, हमेशा ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलते हैं। चलिए, ये ठीक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता दोनों साइड से हो पाएगा, मुझे नहीं लगता दोनों साइड से नहीं हो पाएगा, दोनों साइड से नहीं नहीं हो पाएगा। मतलब जनता को समझने की भी जरूरत है, सरकार को भी समझने। जनता क्या समझेगी, उनको अगर काम है तो वो भाग दौड़ कर बस में चढ़ेगी, वो अपने काम तो मिस नहीं करेगी। उन जैसे अब मान लो मेरी बस आ जाएगी तो मैं यहीं अपना इंटरव्यू छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो अब अपने काम को नहीं छोड़ पाएगी वो, और लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, काम के लिए उनको जाना पड़ेगा और ऐसी भीड़ में ही जाना पड़ेगा उनको। सही, ये दोनों साइड से किसी से भी नहीं सही हो पाएगा, चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा हाँ। इसको नियंत्रण करने की जरूरत है। हाँ, ये सही है, ये मुद्दा सही है, नियंत्रण और हो भी रहा है, और इसके लिए महिलाओं को शिक्षित होना भी जरूरी है, शिक्षित और लड़कियाँ हो रही है, शिक्षित हो रही है लड़कियाँ, मतलब इतनी ज्यादा हो रही है, लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ आजकल, आप कहीं भी देख लेना हर जॉब में ना आपको लड़कियाँ मिलेगी लगभग इस टाइम पे। इसी को हम बदलाव का बयार कहते हैं।